हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता, आपकी फ्रेंड। आपके लिए आज बहुत ही यम्मी डिश लेके आई हूँ। जनरली सोयाबीन कोई खाना नहीं चाहता, बच्चे तो खास तौर पे बिल्कुल खाना नहीं चाहते, तो उसके लिए मैं आज आपको एक मसाला सोयाबीन की बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने सिखाने वाली हूँ। ये आप जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। उसके लिए आपको चाहिए एक बाउल सोया, बहुत ज्यादा सोया ना लें, थोड़े से सोया लें और इन्हें आप पानी में भिगा दें करीब 20 मिनट। अब 20 मिनट भिगाने के बाद आप इन्हें क्रश कर लें, एकदम पूरा पानी इनका निकाल दें। खड़े मसाले के लिए आपको चाहिए जीरा, थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है, ये तेज पत्ता, लौंग, ये काला जीरा, कलौंजी भी इसे कह सकते हैं आप, दो इलायची, सफेद इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, 4-5 दाने और थोड़ी सी दालचीनी। उसके अलावा आपको मसाले में लगेगा ये 1 चम्मच आंवला पाउडर और ये मैंने यूज की है इसमें कश्मीरी मिर्च। ये कलर वाली मिर्च है इसलिए तीखी नहीं होती, इससे थोड़ी ज्यादा लगती है, कलर के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको 2 तरीके का चाट मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और ये पुदीना पाउडर है और नमक। उसके लिए आपको इस तरह से आप ये स्क्वायर पीसेस में इस तरह से आप ये प्याज को काट लें और उसी डिजाइन में आप ये कैप्सिकम भी काट लें। अब आपको करना यह है कि पहले आप ये मसाले, खड़े मसाले, हल्के से तेल में, बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा भून लें, तेज आंच में ऑयल, सिर्फ 1 चम्मच आप ऑयल इसमें डालें। और ये जो खड़े मसाले हैं ये आप इसमें जीरा छोड़ के बाकी सारे मसाले डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च, अगर आप चाहें तो इसमें खड़ी सौंफ और खड़ा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं खड़े मसालों में। आप ये जैसे ही तड़के ऐसे ही आप इसमें अलग प्याज डाल दें और बिल्कुल धीमी आंच पे, और ये खास ध्यान रखें आप इसका कि ये ब्राउन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सा, बहुत धीमा सा इसमें कलर चेंज आए, पिंकिश कलर बस, केवल धीमी आंच में ही आपको पूरा ये करना है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये इतनी सॉफ्टली इसकी ये टूट जानी चाहिए आपकी सोया बड़ी। अब अगर सोया बड़ी थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो आप इनको 2 पीस में भी कर सकते हैं। और फिर अब इनमें आप ये चाट मसाला और ये पुदीना पाउडर आप इसमें मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आप इसमें नमक इसमें मिक्स करके ये इस तरह से रख दें ताकि ये जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारे मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए ये आपके हल्के गुलाबी रंग के हो गए। अब आप इसमें ये कैप्सिकम सारी डाल दें, इनको भी आपको बहुत ज्यादा स्टीम नहीं करना है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना आप इन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट के स्टीम करें कि इनका जो सरफेस है बस वो हल्की सी गल जाए और उसके बाद आप इसे बना लेंगे। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टीम होने का रख दें। अब आप ये पूरी सब्जी बाहर निकाल लें, प्लेट में निकाल लें इसे। अब आप इसमें 1 चम्मच तेल डालें और उसमें जीरा चटका लें और इसमें अब आप ये लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दें और लाल मिर्ची पाउडर में हल्की स्मेल आ जाए, मतलब हल्का सा जल जल जी जाए, तब आप इसमें बाकी की सब वापस डाल दें। ये देखिए इसमें हल्की हल्की आने ऐसे होने लगा, उठने लगे बबल्स। अब आप इसमें ये जो आपका क्रम्स थे ये सब डाल दें, सब्जी भी इसमें डाल दें। ये देखिए इसमें आप ये जो बचा हुआ आपका नमक है वो इसमें डाल दें और साथ में ही अब आप इसे कुछ देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे वापस स्टीम होने के लिए रख दें। अब देखिए ये आपकी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी है। आप ये खुद चेक कर सकते हैं कि कैप्सिकम वगैरह ये सब गल चुकी है, ऑलरेडी न्यूट्रेला तो पूरे गले हुए थे। अब आप इसमें ये आंवला पाउडर स्प्रेड कर लें, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप धनिया पसंद करते हैं तो बहुत बारीक काट के आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए वापस आप ढक के रख दें, बंद कर दें गैस और इसे ढक दें। ये देखिए ये आपकी डिश बिल्कुल बनकर तैयार है और ये इतनी यम्मी और इतनी डिलीशियस होती है। इसे जरूरी नहीं कि आप एज ए सब्जी ही इस्तेमाल करें, आप इसे एज ए स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे इवनिंग स्नैक्स, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे ये बन जाती है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर आपको डिश पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया अपने प्रेशियस कमेंट्स मुझे जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।